तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, वही हड्डी वही खाल। आ गया आपका भाई अपने चैनल की पहली वीडियो लेके, जो कि एक प्री प्लान चीज थी कि इन फ्यूचर जब भी मैं अब्रॉड मूव करूंगा तो अपने चैनल की पहली वीडियो ड्रॉप करूंगा। और ये वही वीडियो होने वाली है, जब आप ये व्लॉग देख रहे होगे आपका भाई ब्रिस्टल पहुंच चुका होगा। इनफैक्ट मैं इंट्रो वीडियो भी ब्रिस्टल से ही बना रहा हूँ। आपके भाई के इस व्लॉग में आपको बहुत कैड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग में मैंने फुल ऑन बकचोदी की है। तो बने रहिए आपके भाई के प्यारे से व्लॉग के साथ। अब्बास बेटा बहुत बढ़िया, मुंह काट बोलो। मम्मी जाओ ना प्लीज, माना कि वो काबिल नहीं है बट आप जाओ। गजब बेइज्जती है। छड़वा बोलने में देखो मीठा सा आ रहा जी। मैं जा रहा हूँ तो मतलब तेरे कहना क्या चाहता है मेरे जाते जाते? कहना चाहता तो जा शादी से। क्या अभी आप क्या कहना चाहते हो? मैं जा रहा हूँ, तू चले जा, बस पैसे भेजते रहना हर महीने। आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं? आप हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, जाओ ऐश करो और क्या करो बाकी। देवदास भैया आप क्या कहना चाहते हो? हम कहना चाहते हैं आप शेख बन के आओ, फ्रेंडस नहीं फ्रेंडस। फ्रेंडस आप आ गई हो, आप शेख बन के आओ। हमारा भी नहीं ना, ये वीडियो बन गई थी सारा ना यार, सारे ने देखो थोड़ा कट के ना। आओ यार मजे ना यार, आओ यार ताई को थोड़ा सा तो गाइस घर से निकल चुका हूँ मैं, और अभी बहुत ज्यादा नींद आ रही है क्योंकि रात को मैं ढंग से सोया नहीं था उस वजह से। और ये देखो इसे कैमरा कितना पसंद है इस प्राणी को, बार बार कैमरे में मुंह दिखा रहे हैं ये। ये रात को सोया नहीं है क्योंकि सारी पैकिंग, सारी पैकिंग मैंने की है। मैं बहुत ज्यादा मेहनती बच्चा हूं। सुबह एयरपोर्ट भूल गया था, आपने चार्जर भूल गया था, इसको ये भी नहीं पता था कि मैंने टिकट। मैं तो गाड़ दूंगा ये सब गाड़ दूंगा ये। हां ऑनलाइन निकली है। तो गाइस खाना खाने रुके हैं यहाँ पे, अभी लखनपुर थोड़ा सा ही दूर है, 5 मिनट का रास्ता होगा यहाँ से लखनपुर का। तो खाना खाने हम रुके हैं और मैंने 5 चपाती निपटा दी है। अभी मेरे में 2 की कैपेसिटी और है, वो मैं खाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि मैं लोडेड हूँ या नहीं। तो ये रहा गाइस खाना, और वो रहा खाने वाला, और ये निपटाने वाली, ये पूरा खाना निपटा देती है। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जो हमारी पहली डेस्टिनेशन है श्री हरमिंदर साहिब। तो भाइयों आ गया हूँ मैं दर्शन करके अमृतसर से, अभी लाइन में लगा हुआ था काफ़ी टाइम हो गया, अब शाम हो रही है। तो अब जोड़ागढ़ जा रहे हैं, अपने शूज़ और चप्पलें लेंगे और लेके चलेंगे दूसरे गुरुद्वारे मथा टेकने। उसके बाद हम जाएंगे अपने रिलेटिव्स के घर में, मामू है मेरे उनके घर में जाएंगे। मामू खुद तो चंडीगढ़ में हैं, बट उनकी मम्मा और उनके पापा वहाँ पर, उनसे मिलेंगे। फिर उसके बाद वेट करेंगे अपनी बोर्डिंग का, जब वो स्टार्ट होगी फिर एयरपोर्ट में जाएंगे। तो बने रहिए, छोड़ के मत जाना ब्लॉग, बता रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि मेरे शूज़ गीले हो गए हैं और अब बहुत ही परेशान हूँ मैं। अब क्या करूँगा, मासी मेरे शूज़ गीले हो गए हैं। हो गए गीले तो हो गए, अब दूसरे ले लेना, न्यू शूज़ ले लेना। पर आप तो 700-800 वाले दिलवा रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। सिंपल स्लीपर डाल के जा, इंडियन बॉय जा रहा है वहाँ पे, यूके में लेना ना। आज तक आपने कभी देखा एयरप्लेन में कोई स्लीपर डाल के गया हो? कोई बात नहीं, अंग्रेज जो आते हैं गोल्डन टेम्पल में, देखा उनके पैरों में कभी शूज? तो वो तो इधर आके चेंज करते हैं ना चप्पल, वहाँ से थोड़ी डाल के आते हैं वो वहीं से सिंपल स्लीपर डाल के आते हैं। चलो ठीक है, इनकी बातों में अमल किया जाएगा भाई, चप्पल डाल के जाएंगे यहाँ। नहीं अंदर होना यार, आई एम कोल्ड हार्टेड। तो
तो भाइयों ट्रेन का इंतज़ार करते करते मैंने एक पनीर टिक्का सैंडविच निपटा लिया बहुत जल्दी, और बेवरेजेस में मैंने मंगाई है स्ट्रॉबेरी शेक जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, पी रहा हूँ, मस्ती में पी रहा हूँ। आप भी पियो, जियो खुले हो गए, जियो खुला खाओ नंगा ना हो, बस याद रखना ये बात। आगे की बातचीत करेंगे हम प्लेन में। अभी मैं बहुत इमोशनल हो गया था बट मैंने दिखाया नहीं घर वालों को कहीं पे भी, क्योंकि अगर मैं उनके सामने रो देता, मैंने बहुत कंट्रोल किया, मैं अगर मैं रो देता तो वो और वीक पड़ जाते, तो इसलिए मैं रोया नहीं उनके सामने। अब ये मेरे ब्लॉग में वो ये चीज़ सुनेंगे तो शायद वो तब रो दे, पर कम से कम मैंने मोमेंट में तो उनका रोना बंद कर दिया ना, और रुलाता और टेंशन में होते, स्ट्रेस बढ़ता उनका, तो इससे बेटर ये है कि जहाँ पे जो चीज़ संभलती है हमें संभाल लेनी चाहिए। मिलते हैं आपको सीधा प्लेन में। ओ सॉरी बाय नहीं बोला था, बाय गाइस। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं अपने प्लेन की तरफ जो हमें दोहा उतारेगा, फिर दोहा से हम ब्रिटिश एयरवेज में बैठ के जाएंगे हीथ्रो लंदन। तो वहाँ पे मेरे मामू लेने आएंगे मुझे। अभी ये देखो प्लेन्स खड़े हैं वहाँ पे, दिख रहे होंगे आपको, और आपका भाई ये रहा ऑलवेज लाइक सेक्सी लाइक ऑलवेज। दोस्तों भाई आपका बैठा हुआ है फर्स्ट सीट पे बिजनेस क्लास, और ये देखो मुझे अभी क्या मिला यहाँ से, ये मेन्यू पढ़ो एक बार। तो दोस्तों जब तक भाई आपकी खाना आएगा, आई मीन ब्रेकफास्ट, तब तक आपका भाई एक छोटी सी झपकी ले सकता है क्या, इतना पूछ रहा हूँ आपसे, ले सकता है ना? हाँ ले सकता है। थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस खाने के लिए जो मंगाया था वो आ गया है, पीने के लिए क्या मंगाया है मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे शर्म आती है। पीने के लिए मंगाया पानी, गरीब गाइस, वेरी वेरी गरीब। तो गाइस कुछ इस प्रकार से व्यू है बाहर का, कतर में पहुंच चुके हैं दोहा में, नीचे हम बैठेंगे वेट करेंगे अपनी नेक्स्ट फ्लाइट का जो कि 2 घंटे के गैप के बाद आएगी, और फिर हीथ्रो लंदन में पहुँच के आपको अगली की अपडेट देंगे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कतर एयरपोर्ट में जहां पे मैं जा रहा हूं B3 गेट के पास, और यहां पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, इतना क्राउड है कि मैं बता नहीं सकता। रुको आपको दिखाता हूं। तो भाई आपका यहां पे अपनी B3 गेट के पास जा रहा है, तो आगे की अपडेट आपको देते हैं। अभी यहाँ पे 2 घंटे वेट करना है, 2 घंटे ये टाइम निकलेगा कैसे मुझे ये समझ नहीं आ रही। दिमाग दर्द हो गया, करूँ तो करूँ क्या, अगर हम बोलें तो बोलें क्या, करें तो करें क्या, क्योंकि एक तो चार्जर भी नहीं है यहाँ पे, फ़ोन चार्ज भी बिल्कुल नहीं है। समझ नहीं आ रही कि अगर 7-8 घंटे की तो मिनिमम फ्लाइट है तो उसमें मैं ब्लॉगिंग करूँगा कैसे। आर आई पी। तो गाइस आपका भाई यहाँ पे बैठा हुआ है। अभी पहले हमने चार्जर मांगा था अंकल से, आपको बोला था ना कि बैटरी मेरी डेड है, तो अंकल से चार्जर मांगा, उन्होंने दिया, बहुत ही प्यारे अंकल थे, पर उनको जाना था। तो उसके बाद मेरी बैटरी 50% थी, मैंने देखा यार 50% में तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी ब्लॉगिंग, तो मैंने इधर उधर ढूंढा, पता किया, तो मुझे एप्पल का अडैप्टर मिल गया, ये रहा अडैप्टर, और मैं अभी यहाँ पर आराम से बैठा हुआ हूँ। भाई इंडिया वालों का अलग ही सीन है, ये तो सिद्धू मूसेवाले का वो अलग गाना फॉलो करते हैं, मैं दुनिया के अपोजिट चलता, इनके सॉकेट ही अलग है भाई। मोदी जी सॉकेट चेंज करो, हमें पैसा नहीं खर्चता, हमारी जेब से जब पैसा निकलता है ना वो भी पाउंड में, हमें दुख होता है। 23 पाउंड का लेके आया हूँ ये चार्जर एयरपोर्ट से, बहुत इमोशनल हो जाता हूँ मैं कभी कभी। चलो ठीक है, बकचोदी बहुत होगी, अब आगे की बातचीत अगली क्लिप पर करेंगे। गाइस आप लोगों को लग रहा होगा ना मैं कितना पत्थर दिल हूँ, जो मेरे घर वाले मुझे छोड़ने आए, मैंने एक आंसू नहीं निकाला। गाइस मुझे टॉर्चर करते थे घर पे, जब मैं खाना मांगता था ना मेरी उंगलियों में कील ठोके जाते थे। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत ले लेना, सब बहुत प्यार करते हैं आपके भाई से, कंटेंट इसे कहते हैं, कंटेंट। तो गाइस ये देखो हम लाइन में लग चुके हैं प्लेन में जाने के लिए, प्लेन के अंदर बैठेंगे फिर आपको अंदर का माहौल बताएंगे क्या चल रहा है क्या नहीं, अभी खाली हो जाएंगे और बाद में।
मैंने अपने दोस्त के साथ एक बार सोचा था कि हम दोनों कतर आएंगे, तो देखा ना इत्तेफाक कैसा हुआ कि अभी मेरी फ्लाइट होती भी कतर गई, कि भगवान देता था मैं देख लूँ भाई ये कैसी जगह है, देख ली मैंने, ठीक है सुंदर है कतर पर गर्मी बहुत है यहाँ पे। तो हेलो गाइस, आपका भाई आ गया फिर से अपने सेकेंड और लास्ट प्लेन में। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फिर से विंडो सीट, पता नहीं कैसे। अब आप बोल रहे होंगे टिकट में तो पहले लिखा होता है, पर मैंने नहीं देखा था, कसम से मैंने नहीं देखा था कि मेरी विंडो सीट है या नहीं, ए बी सी मैंने कुछ नहीं देखा था, अभी देख रहा हूँ। अभी हम आगे मूवीज़ भी हैं वो इन्जॉय करेंगे स्क्रीन पर, और उसके बाद मैं थोड़ा सोऊंगा क्योंकि सोया बिल्कुल भी नहीं हुआ। भाई को सोने दो, भाई एनर्जेटिक होगा तभी तो व्लॉग करेगा, वरना कैसे करेगा, ठीक है ना। तो सुनो दो भाई को। तो गाइस ये इनका छोटा सा वॉशरूम, और यहाँ पे मैं अपना थोड़ा परना सीधा करने आया हूँ, मेरा परना सीधा और थोड़ा खुल गया और फ्रेश होने आया हूँ। गाइस ये व्यू और साथ में प्रिंगल्स, ये देखो 2 घंटे 51 मिनट्स पे हम पहुंच जाएंगे, मतलब लगभग मोटा मोटा 3 घंटे लगा के चलो 3 घंटे में हम पहुंच रहे हैं। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, एक सेकंड गाइस फोकस नहीं पड़ना। ये देखो गाइस, काश मैं यहाँ पे स्काई डाइविंग कर सकता और मैं नीचे की जगह एक्सप्लोर कर सकता तो कितना सही होता ना। बट कोई ना, एक दिन ज़रूर करेंगे, आप अपने भाई को सपोर्ट करना, आपका भाई एक दिन ज़रूर आपको ये चीज़ करके दिखाएगा। हम जो कहता हूँ वो करता हूँ। ओके बाय, चलो बाद में बात करते हैं। अभी हम निकल चुके हैं एयरप्लेन से और हम पहुंच चुके हैं लंदन हीथ्रो, और मामू आए होंगे बाहर लेने, मैं उनको मैसेज करता हूं फिर आपको आगे की अपडेट देता हूं। बाय बाय गाइस, इमिग्रेशन में हम मात हो गए हैं, बट लाइन देखो कितनी लंबी है, ये यहां से जाती है फिर यहां से आती है फिर वहां से जाती है और फिर वहां पे आती है, कम से कम 1 घंटा लगेगा। चलो मिलते हैं इमिग्रेशन करवा के आपसे, बाय। तो गाइस अभी आपका भाई इमिग्रेशन करवा के आ गया है, अब हम जाएंगे लगेज लेने, लगेज लेके मामू बाहर खड़े हैं, उनसे मिलवाएंगे आप सबको, फिर करते हैं आगे की बात। तो गाइस मामू यहीं कहीं होंगे, अभी दिखेंगे जरूर। कहाँ गए हैं ये, मुझे मिल क्यों नहीं रहे हैं। ओ सिकाल, ये रहे मामू। गाइस ठीक हो, किधर लगे हैं तड़ेदानी वीडियो। और एसी भी मतलब बेयर नहीं हो रहा कार का, उसकी जैकेट पहनी हुई है, अभी तो ब्लॉग डाला नहीं जैसे आप लोगों ने पहले लगा दी। तो ब्लॉग को इस ब्लॉग करते हैं पे एंड। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और लाइक करो और कमेंट करो। बाय।